नथिंग फोन 2A लगभग 1.5 महीना हो चुका है इस फोन को यूज करते हुए। तो आज बता दें डिटेल में भाई, अभी भी इस कीमत पे 24,000 रुपए में ये फोन लेना वर्थ है या नहीं, ले सकते या नहीं, या फिर इसके बजाय कोई दूसरा फोन देखना चाहिए अभी इस मार्केट सिचुएशन में। अभी चलिए फटाफट आज बात करते हैं डिटेल में। देखिए भाई, एक रिव्यू वीडियो है यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर। जी हाँ, तो यहाँ पर स्पेक्स वगैरह की मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, आप बोर हो गए होगा भाई साहब। सीधा बता दे भाई ये कैसा चलता है, यही बात करते हैं सबसे पहले। मतलब कैसा है ओवरऑल डेली एक्सपीरियंस में। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले देखिए भाई, ऐसा कुछ डिस्प्ले आपको मिल जाता है, काफी बेहतरीन 120 हर्ट्ज इसका आपको देखने को मिल जाता है। सभी जगहों पे 120 हर्ट्ज काफी अच्छे तरीके से चलता है, काफी अच्छा ऑप्टिमाइज किया है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस काफी बढ़िया है, डे लाइट हो या सनलाइट में हम यूज करते हो, बाहर आउटडोर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, काफी बेहतरीन। डिस्प्ले में आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्मूथ चलता है डिस्प्ले, काफी बेहतरीन है। प्रोटेक्शन वगैरह के रिलेटेड भी कोई चीजें नहीं है, है ना। नॉर्मली हमसे फोन गिर ही जाती है तो वहां पर केस वगैरह होता है, तो मतलब आज तक 1.5 महीने में कोई भी डिस्प्ले के ऊपर बिल्कुल भी शिकायत नहीं हुआ। ये ऐसा ही डिस्प्ले, थोड़ा सा स्लो ही चल रहा है, कहाँ कहाँ पर लैग कर रहा है, मतलब है ना, गर्म वगैरह हो रहा है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो डिस्प्ले के बारे में भाई साहब एकदम बेहतरीन डिस्प्ले, और क्या ही बात करें, एकदम बढ़िया। दोस्तों अब बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। जी हाँ, सबसे मेन हाईलाइटेड चीज है, क्योंकि डिजाइन मिलता है भाई साहब, ये ऐसी ऐसी सारी चीजें मिलती है। ये है आपको ग्लिफ लाइट वगैरह ये देखने को मिल जाती है इसके डिजाइन में, है ना। थोड़े से दिखावे रिलेटेड चीजें, लेकिन हर कोई भी फोन में नहीं आता, यह इसमें स्पेशली चीजें है, तो अच्छी ही बात है ना। ओके, अब बात कर रहे हैं बिल्ड वगैरह के बारे में। तो ऐसे देखिए, बैक साइड में ऐसी डिजाइन है कुछ, और बैक साइड पूरी प्लास्टिक की आपको मिल जाती है, साइड की जो फ्रेमें वगैरह है वो भी प्लास्टिक के हैं। आगे डिस्प्ले में देख सकते हैं भाई, सिमेट्रिकल बेजल चारों ही साइड में आपको देखने को मिल जाती है, जो आईफोन की बराबर फील देता है भाई, बहुत ही बेहतरीन डिस्प्ले है ना। तो ये ओवरऑल सारी चीजें हैं डिजाइन। इस कीमत में देखिए, हर कोई फोन में ऐसे ही मिलते हैं, ग्लास बैक कहीं कहीं फोनों में मिल सकता है ग्लास बैक वगैरह, लेकिन इसमें प्लास्टिक ही बैक है, तो है थोड़ा सा हाथ में लेते हो तो चिप फील होता है, लेकिन ठीक है भाई, हर किसी फोन में नहीं मिलता। अगर हर किसी फोन में मिलता तो हम बोलते, लेकिन नहीं दिया है तो ये बात है। लेकिन ये जो प्लास्टिक है, ये ट्रांसपेरेंट डिजाइन है, देखिए व्हाइट कलर की, तो ये कुछ दिनों बाद जैसे 1 साल बाद वगैरह पीला पड़ने लग जाएगा। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें हैं भाई। ओके, डिज़ाइन में कोई बात नहीं, वेट बैलेंस वगैरह काफ़ी बढ़िया है, हाथ में ज़्यादा हेवी फील वगैरह फोन नहीं फील होता, ये ओवरऑल बात है। बात करते हैं दोस्तों इसके परफॉर्मेंस प्रोसेसर के बारे में। अभी जब 1.5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह आए हैं, अब बहुत सारे बग्स वगैरह फिक्स किए हैं, रेंज वगैरह ठीक से पकड़ नहीं रहता 5G वगैरह की, तो वो डाउट मतलब अभी सब कुछ सॉल्व हो चुका है, प्रॉपर 5G वगैरह आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं एयरटेल का सिम कार्ड है इसमें, तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स थी इन्होंने सारी कुछ चीज़ें क्लियर कर दी। मेन बात है परफॉर्मेंस प्रोसेसर की। देखिए जो इसका प्रोसेसर है, वन ऑफ द बेस्ट नहीं है इस कीमत के ऊपर, है ना। इसके कीमत में 24-25 हज़ार रुपये में बहुत बेहतरीन आपको चिपसेट देखने को मिल जाते हैं हर किसी फोनों में, लेकिन इसमें क्या है, सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस किए हैं, और ऊपर से UFS 2.2 स्टोरेज दिए है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में डाउनग्रेड है इस फोन में, मानता हूँ। अगर आपको गेमिंग वगैरह खेलनी है तो सीधा स्ट्रेट आंसर है भाई, बहुत तगड़े तगड़े फ़ोन आपको मिल जाते हैं इस कीमत पे, सिर्फ परफॉर्मेंस को टारगेट किए हुए, लेकिन इसमें बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन हुई है, तो एक बेहतर फ़ोन फील होता है आपको ये। और बहुत सारे फ़ोन मैंने देखे गेमिंग फ़ोन होते हैं भाई, जिसमें गेम चालू करने जाओ 90 FPS का ऑप्शन है, और भाई हीटिंग क्या हिट होता है भाई साहब फ़ोन इसमें। भाई मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके स्मूथ प्लस एक्सट्रीम 60 FPS करके भाई गेम खेली है भाई, ये फ़ोन हीट नहीं होता, तो ऑप्टिमाइजेशन का सारा खेल होता है भाई। प्रोसेसर हालांकि बहुत स्पीड नहीं है इसमें, बहुत पावरफुल नहीं है, ऐसा ही नहीं बहुत ऐसा ही मतलब लो लेवल का, बेहतरीन मिड रेंज आपको मिल जाता है, और बेहतरीन ऑप्टिमाइजेशन मैं कहना चाहूँगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोसेसर को ऑप्टिमाइज किया है ब्रांड ने, तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई साहब, है ना। गेम वगैरह खेलते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ खेलते हो तो भाई बहुत ही बेहतरीन चलता है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है इस फ़ोन के साथ। गेमिंग के लिए फ़ोन नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें बहुत ही बेस्ट ऐड की है। गेमिंग के लिए सीधा आंसर है भाई, दूसरी फ़ोन देख लो भाई, एक नॉर्मल यूज़र को टारगेट करता है, बेहतरीन ऑप्टिमाइज किया हुआ फ़ोन है।
ओके, ये हो गई परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीज। बात करते हैं भाई कैमरास के बारे में। मेन कैमरा 50, दूसरा कैमरा भी 50 अल्ट्रा वाइड का। देखिए मैं कहना चाहूँगा बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी में नहीं किया है नथिंग वालों ने। जी हाँ, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें नहीं है, जो है वो डिसेंट है। प्राइस के हिसाब से आपको बेहतरीन लगेगा, जो है वो प्राइस के 24,000 रुपये प्राइसिंग देखिए उसके हिसाब से। वीडियो क्वालिटी में जो आवाज़ वगैरह आती है वो भी काफ़ी बेहतरीन आती है, वीडियोज़ भी काफ़ी अच्छे निकलते हैं, मतलब बन जाते हैं। तो डेफिनेटली 24,000 रुपये में आपको एक बेहतरीन कैमरा कहना चाहूँगा। जी हाँ, बेहतरीन कैमराज देखने को मिल जाता है, क्योंकि भाई प्राइसिंग भी देखनी पड़ जाती है ना। सेल्फी कैमरा भी बेहतरीन है, तो कैमरा बढ़िया है इस फ़ोन का। बात करते हैं बैटरी के बारे में। बैटरी बहुत चलती है भाई फ़ोन की, क्योंकि ऑप्टिमाइज बहुत तगड़ी तरीके से किया है। वन यू आई मतलब इनका क्या भाई, स्टॉक एंड्रॉयड जैसी फीलिंग है, नथिंग ओएस, बेहतरीन बैटरी चलती है भाई। बैटरी में कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। चार्जिंग 45 वाट की सपोर्ट है। बॉक्स में कुछ नहीं आता भाई, खुद जो है अपने घर में लगाओ, नहीं तो खरीद के लाओ, ऐसी सारी चीज़ें हैं। देखिए सीधी बात क्या होती है, जो अभी तक 1.5 महीने में मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया है, फ़ोन काफ़ी बढ़िया है। हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगा यार, परफॉर्मेंस इतना हाई लेवल का नहीं है फ़ोन में, लेकिन जो सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज जो कर रहा है फ़ोन, नथिंग वाली जो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, वो काफ़ी बेहतरीन निकल कर आ रहा है। तो बेहतरीन फ़ोन है गेमिंग के लिए। डेफिनेटली आप दूसरा कोई फ़ोन लीजिए जिसमें स्नैपड्रैगनों का वगैरह का प्रोसेसर मिल रहा है आपको, है ना, बेहतरीन, इससे बेहतरीन जो प्रोसेसर मिल रहा है वो आप गेमिंग के लिए ले सकते हो। लेकिन नॉर्मल गेमिंग करते हो और ओवरऑल सारी चीज़ें बेस्ट चाहिए, तो भाई डेफिनेटली ये फ़ोन है। सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह भी काफ़ी मिलने वाले हैं इस फ़ोन में। डेफिनेटली आग बंद करो, ये फ़ोन लो, कोई भी दिक्कत नहीं मिलने वाली आपको। जी हाँ, कोई भी दिक्कत, बेहतरीन ऑप्टिमाइज्ड फ़ोन में इससे कहना चाहूँगा, बढ़िया फ़ोन है भाई, है ना, वन प्लस वगैरह से बेहतरीन ऑप्टिमाइज्ड है फ़ोन। तो वहाँ पर ये देख सकते हो आप, है ना, कुछ अलग एक्सपीरियंस आपको फील होगा। वन प्लस में क्या है भाई, वही है ओप्पो में, वही है रियलमी में, वही है वन प्लस में, ओवरऑल सारी चीज़ें हैं डेफिनेटली बेहतरीन। और फिंगरप्रिंट देखा होगा भाई, क्या क्विक है इसकी, बेहतरीन है फिंगरप्रिंट वगैरह भी। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। स्पीकर डिसेंट मिल जाता है, इतना कुछ हाई लेवल का नहीं, लेकिन जो कीमत है वो बेहतरीन सारा कुछ कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है गेमिंग के लिए। दूसरा देख सकते हो, ऑप्टिमाइज फोन लेना है, ओवरऑल सारा कंप्लीट पैकेज इसकी तरफ देख लो। वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसके साथ वन प्लस नॉर्ड C3 या कौन सा लॉन्च हुआ है उसका भी रिव्यू मतलब कंपैरिजन लाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उस के साथ अब के लिए।